हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ फिर जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ गया हूँ फाइनली फ्रेंड्स रेलवे की तरफ से इस साल की दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ऑफिशियली तौर पर और इसका हिंदी वर्जन और पी जो एफ है और इंग्लिश वर्जन पी दोनों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का पी अपलोड कर दिया है और कैटेगरी वाइज डिटेल अपनी लिख कर अपना टाइपिंग करके भी अपलोड किया है कि किस कैटेगरी में कितनी भर्ती आई है किस कैटेगरी में किसने भर्ती किया है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आप लोग बताने वाला हूं कि किस चीज की ये भर्ती आई है और क्या चीज है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है क्या इसका क्वालिफिकेशन कौन-कौन से -कौन बच्चे देखिए क्वालिफिकेशन भर सकते देखिए ये फाइनली जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ना आप लोगों की वो निकल के आ रही है टेक्नीशियन की टेक्नीशियन की आप लोगों को नोटिफिकेशन इस साल का दूसरी रेलवे बहुत बढ़िया आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ देने वाला दे रहा हूं इस वीडियो में आप लोगों को इस साल के दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ऑफिशियल तौर पे और फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो रहा है मैं सारा कुछ डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा बस आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने देगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा देखिए मैं आप लोगों को बता ना इस साल टेक्नीशियन की जो भर्ती होने वाली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका पी डी एफ फाइल चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए मैं आप लोग पढ़ के बताता हूँ क्या कुछ दिया गया है तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आर की तरफ से जारी कर दिया गया है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर जीरो एक दो जीरो एक जीरो सॉरी जीरो दोब्लिक दो हज़ार चौबीस यानी कि इस साल की दूसरी भर्ती इसलिए जीरो दो है ठीक है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ़ टेक्नीशियन ग्रेड थ्री ग्रेड वन और रिकॉर्डिंग कि 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 बहुत सारे बच्चों का इसमें नोटिफिकेशन में डाउट रहेगा कि क्वालिफिकेशन क्या है क्या इसका क्या? क्या वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर ट्वेल्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं तो किस स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसका ग्रेजुएशन मांगा गया या फिर आईटीआई मांगा क्या मांगा कंप्लीट सेपरेट वीडियो केवल हर एक पोस्ट के लिए डिटेल वीडियो का मैं क्वालिफिकेशन कहा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर देखिए आप लोग का डिटेल नोटिफिकेशन बताया गया है ओपनिंग डेट ऑफ अपलिकेशन नौ तीन दो यानी कल से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट जो रखा गया लास्ट डेट रखा गया आठ चार दो हजार चौबीस के बारह बजे रात को रखा गया ठीक है यानी कि आप लोग नौ मार्च से लेकर के

देखिए मैं आप लोग को बता दूँगा कि मैं जितना सारा कुछ डिटेल्स बताता हूँ मैं अपने एक पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार आधार पर बताता हूँ क्योंकि मेरा सारा कुछ रेलवे में सेलेक्टेड हो चुका है मेरा हर एक मेरे पास रेलवे का रिकॉर्डिंग मेडिकल से लेकर ले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उसका प्रोसेस लेकर मेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस आ चुका है तो मैं सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ देखिए मैं आगे आगे डिस्कस आग, करता हूँ इसका देखिए कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है तो एक तो भर्ती निकली है टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल पोस्ट पर और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री पर दो दो कैटेगरी में पोस्ट पर भर्ती निकली है अगर टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल की मैं बात करूँ तो लेवल फाइव की पोस्ट होती है टेक्नीशियन

तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मैं सारा कंप्लीट डिटेल्स सा आप लोगों को दे दूंगा ठीक है ये लेवल फाइव की पोस्ट होती है लेवल टू की पोस्ट होती है और इसका इनिशियल पे जो होता है ना वो उन्तीस हज़ार दो सौ रुपया होता है और उन्नीस हज़ार नौ सौ इसका होता है ठीक है क्योंकि ये लेवल टू की पोस्ट है और इसका मेडिकल सिग्नल वाले के लिए मेडिकल जो कि स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो बीवन मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है बीन नॉर्मली मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ठीक है और ये इनेक्शन में आप लोगों को ये दिया है कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल होता है ठीक है तो ये आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन देखना होगा और नोटिफिकेशन का पी डी एफ फाइल आप लोगों हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ ज्वाइन

पाँच सौ बावन पोस्ट है ठीक है ग्रेड थ्री में पोस्ट आप लोगों में तो इस प्रकार टोटल आप लोगों को कितने पोस्ट हो जाती है टोटल नौ हजार एक सौ चौवालीस पोस्ट पे वैकेंसी फाइनली टेक्नीशियन की आ चुकी है साल दो हजार चौबीस के लिए ठीक है तो चौबीस के लिए टेक्नीशियन की ग्रेड जो की है नोटिफिकेशन आ गया है नौ हजार एक सौ चौवालीस पोस्ट पर टोटल भर्ती होने वाली है आप लोगों की ठीक है और इसके अलावा साथ साथ देखिए आप लोगों को बहुत एज में रिलेक्सेशन दे रखने को मिली है आप लोग को इस साल एक्स्ट्रा इसके अलावा ना तीन साल आप लोगों को सभी बच्चों को दिया है कोविड नाइन्टीन से रिलेक्सेशन ठीक है ये सभी क्योंकि कोरोना के कारण से तीन का छूट दिया गया है देखिए मैं आगे डिस डिटेल का नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूं इसका क्या, क्या, क्या आगे, आगे क्राइटेरिया रखा गया है ये सारा कुछ इनका इंस्ट्रक्शन बताया गया मैं सारा कुछ डिटेल ना अपने चैनल पे प्रोवाइड कराया करता हूँ चाहे कोई भी भर रेलवे से भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गया चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हो गया तो आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड है और मैं आप लोग एक यहाँ पे एक और जानकारी दे दूँ ना कि मेरा रेलवे में दो दो बार मेडिकल हो चुका है तो मेरे पास मेडिकल के रिकॉर्डिंग एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आ चुका है मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ सेपरेट मेडिकल से कि रेलवे मेडिकल किस प्रकार से होता है तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं क्योंकि थोड़ा देर के बाद मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि सारा मेरा जो जो हुआ था सारा कुछ फोटो मैं क्लिक किया हूं। वीडियो शूटिंग किया हूँ तो सारा कुछ मैं अरेंज कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए मेडिकल के रिगार्डिंग कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था और कैसे कि कि आप मेडिकल होता है क्योंकि मेरे पास मेडिकल दो दो बार हुआ कम्प्लीट एक्सपीरियंस आ चुका है मेडिकल के रिगार्डिंग चलिए तो आगे मैं देखता मैं हूँ ये सारा कुछ आप लोग का एज लिमिट बताया गया है कि एज क्या रखा गया है सिग्नल ग्रेड वन के लिए जो कि मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया हूँ अठारह से तीस साल और ग्रेड थ्री के लिए अठारह से तैंतीस साल यहाँ पे और इसमें तीन साल कोरोना के लिए इसमें तीन साल कोरोना के लिए तो इस प्रकार से छत्तीस वहाँ पर दिया था और यहाँ पे आप लोग का अठारह से तैंतीस साल दिया है ठीक है नॉर्मल जो होता है बाकी एस सी के लिए पाँच साल के लिए छूट मिलता है ओ बी सी के नॉन क्रीम लिए और बच्चों के लिए आप लोग तीन साल का छूट मिलता है बाकी ये कैटेगरी वाइज और सब छूट हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ें आप लोग देखने के लिए नोटिफिकेशन पी डी फाइल डाउनलोड करके देख लीजिएगा मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानकारी है मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका सिलेबस भी देखिए इसका जो कि है फीस कितना है तो इसका फीस जो रखा गया है ना आप लोगों का जनरल जनरल और जनरल वाले बच्चों के लिए पाँच सौ रुपया एस सी वाले बच्चों के लिए और फीमेल वाले बच्चों के लिए अढ़ाई सौ रुपया रखा गया है ठीक है तो ये रिफंडेबल फीस होता है इसमें से जनरल वालों को लिए चार सौ वापस हो जाएगा और एस सी वालों को दो सौ चार अढ़ाई सौ का अढ़ाई सौ वापस हो जाता है क्योंकि तो इसमें से आप लोगों का ये रेलवे रिफंड कर देती है फीस अगर आप लोग एग्जाम दीजिएगा तब फिर रिफंड होगी नहीं तो नहीं रिफंड होगा ठीक है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग का पेमेंट ऑनलाइन ये सारा कुछ डिटेल्स बताया गया आप लोगों को आगे मैं आगे जानकारी दे देता हूँ आगे और क्या सब कुछ दिया गया है देखिए आगे हो रिजर्वेशन कुछ रिजर्वेशन भी रखा जाता है इसमें ठीक है और आगे में पीडब्ल्यू बी वालों बच्चों के लिए भी इसमें कुछ अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है आप लोगों की तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन उन्ला, जो कि होने वाला सारा कुछ ऑनलाइन होगा पहली बात दूसरे पॉइंट में पॉइंट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोग का एक एग्जामिनेशन होगा इसमें ठीक है देखिए बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सी बी टू बस एक ही होने वाला है आप लोग का एग्जाम इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा और उसके बाद से आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों एक 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 ही दिन करके है मतलब कि पहले डॉकूमेंट वेरीफिकेशन जाता है डीवी जाता है फिर उसके नेक्स्ट मेडिकल के लिए भेजाता है ठीक है और मेरे पास मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का कंप्लीट एक्सपीरियंस है मेरे पास तो उसका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा कि कैसे क्या कुछ होता है आप लोग चाहें तो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके ठीक है और मेडिकल का तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ठीक है सी बी की मैं बात करूँ तो सी टी में सिलेबस वन एग्जाम पैटर्न के डिस्कस करता हूँ यहाँ पर ग्रेड वन के लिए जो कि ग्रेड वन अब इसका क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए लंबा चौड़ा इसका क्वालिफिकेशन है तो मैं एक डिटेल अलग से वीडियो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बना रहा हूँ तो आप लोग उस वीडियो को देखने के के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वही रहने वाली है क्वालिफिकेशन के रिकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट ये चीज़ है देखिए अब मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रेड वन के लिए जो लेवल फाइव की पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं एग्जाम सिलेबस क्या है तो देखिए नब्बे मिनट टाइम दिया जाएगा सौ क्वेश्चंस रहेंगे वन बाई नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा और मिनिमम पास पास मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा यू आर और यू डब्ल्यू बच्चों के लिए ना चालीस परसेंट मार्क्स लाना ही होगा तभी वो हो पास किए जाएंगे क्योंकि सौ नंबर में से कम से कम चालीस ही होगा ओ वाले बच्चों के लिए तीस नंबर लाना ही होगा और एस वालों के लिए तीस नंबर लाना होगा एस वालों के लिए पच्चीस नंबर ये मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है आप लोगों का कम से कम इतना लाना ही पड़ेगा यानी हाँ अगर आप लोगों को सलेक्शन लेना है तो अब बाकी कट ऑफ क्या जाती है वो अलग रहता है ठीक है हर एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा जाता है ठीक है और इसके बाद से सेल बी और यहाँ पर बताया गया सी 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 बी टी सेल बी कंडक्ट बाई शॉर्ट शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज फॉर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब कि आगे जो कर सी टी क्वालिफाई कीजिएगा आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाएगा सिलेबस ऑफ सिक्निशियन और ग्रेड वन के लिए ग्रेड वन का सिलेबस क्या है तो जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा ये सारा कुछ डिटेल सिलेबस दिया गया उसके बाद से बेसिक क्वांटिटी एफ्टीट्यूड अपलीकेशन पूछा जाएगा कंप्यूटर से अपलीकेशन से पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा ये टेक्नीशियन ग्रेड वन की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स से, से, सेक्शन वाइज सिलेबस से आप लोग का ठीक है जनरल अवेयरनेस के दस क्वेश्चन रहेंगे जनरल रीजनिंग के पंद्रह क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के आप लोग आप का बीस क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स का बीस क्वेश्चन रहेगा जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से पैंतीस क्वेश्चन रहेंगे तो साइंस का वेटेज काफी ज़्यादा रहने वाला है और रेलवे की कि किसी भी भर्ती में ना साइंस का वेटेज काफी अच्छा खासा का देखने को मिलता है आप लोगों को तो साइंस का आप लोग अच्छे से मजबूत कीजिएगा जहाँ से भी तैयारी तैयारी कीजिए ना आप लोग थ्योरी के साथ साथ ना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए ठीक है क्योंकि हाँ साइंस का वेटेज काफी अच्छा होता है रेलवे में ठीक है और ले, ले, लेवल भी अच्छा खासा कि मेटेन किया जाता है क्योंकि मेरे पास रेलवे का एक्सपीरियंस है मैं तो मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ सारा कुछ ये चीज तो आप लोग साइंस को इग्नोर मत करके पढ़ाई मत कीजिएगा बहुत आप लोग का गेम चेंजर होता है साइंस आप लोग का रेलवे एग्जामिनेशन के लिए ठीक है और देखिए इस प्रकार से टोटल सौ क्वेश्चन और सौ मार्क्स का हो जाता है ठीक है और आप लोग का टोटल नब्बे मिनट दिया जाता है और इसमें कुछ पीडब्ल्यू बी वाले बच्चों के लिए तीस मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है आधा घंटा एस्ट्रा एक्स्ट्रा दिया जाता है ठीक है और ये तो हो गया आप लोग का ग्रेड वन के लिए और ग्रेड टू की मैं बात करूँ ना जो कि ग्रेड टू लेवल टू की पोस्ट है ग्रेड थ्री के लिए देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस पे लेवल टू यानी ग्रेड थ्री वाले बच्चों के लिए क्योंकि दो पोस्ट आप लोग ग्रेड टू और ग्रेड थ्री दोनों के लिए आइए सी ठीक है तो देखिए यहाँ पे भी वही टाइम है नब्बे क्वेश्चन क्वेश्चन नब्बे मिनट टाइम दिया जाता है वन बाई थर्ड नेगेटिव मार्किंग और उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है उतना और इसका मैं आप लोग का डिटेल दिखा देता हूं तो यहाँ पर देखिए आप लोग ग्रेड थ्री के लिए कॉलिफिक एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या है हालांकि मैं अभी एक डिटेल वीडियो बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं टेक्नीशियन के रिगार्डिंग मैं संपूर्ण आप लोग को जानकारी दूंगा एक एक वीडियो करके अपने माध्यम से ठीक है अपने चैनल के माध्यम से तो आप लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप लोग का पच्चीस क्वेश्चन पूछा जाएगा पच्चीस मार्क्स का रहेगा आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस मार्क्स का रहेगा जनरल साइंस का देखिए यहाँ पर भी चालीस क्वेश्चन है काफी अच्छा खासा वेटेज दिया गया जनरल साइंस के लिए और जनरल अवेयरनेस का मात्र दस क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे तो मेरा ओपिनियन यही है ना कि आप लोग जनरल साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा एनी हाउ आप लोग कहीं से तैयारी कीजिए अच्छे से क्लास कीजिए थ्योरी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल सारा कुछ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन क्योंकि गेम चेंजर होता है साइंस देखो मैं करने को तो बहुत सारे बच्चे मैथ रीजनिंग कर लेंगे तो लेकिन साइंस में ही ऐसा जो होता है ना नोम गेम चेंज करता है क्वालिफाइंग करता है एग्जामिनेशन कट ऑफ में ठीक है लाने के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साइंस नहीं हो पाता है था यार इस कारण से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि साइंस आप लोग छेकाश से तैयार कीजिएगा उसके बाद से आ, 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 आप लोग का यहाँ पे नब्बे मिनट टाइम दिया जाता है तीस मिनट आप लोगों को पीडब्लू बी डी वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मिलता है इस जो कि दिव्यांगजन होते हैं बच्चे उन सभी के लिए और नब्बे मिनट टाइम डेढ़ सौ क्वेश्चन रहता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है बाकी इसके बाद आप लोग का जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेफिक के लिए और मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है और मेडिकल कैसे क्या कुछ होता है गोरखपुर तो मेरे पास कंप्लीट एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल गोरखपुर जिसका भी बच्चे का मेडिकल हॉस्पिटल का रिव्यू देख सकते हैं मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है और बनारस में भी ब, बच्चों का जो भी बच्चों का मेडिकल है वो होता है उस सारा कुछ मैं हॉस्पिटल का रिव्यू रखा हूँ अपने चैनल पे ठीक है तो जाकर चाहे तो उसको आप देख सकते हैं बाकी ये सब सारा कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ उसके बाद आप आगे मैं बता दूँ ये है आर की वेबसाइट आप लोगों की जहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी सारा कुछ लिंक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आर से आप लोग इंडिया के किसी भी आर से अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप लोग उसके बाद से सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसके बाद से नीचे आप लोग जब आइएगा ना तो आप लोग यहाँ पर वैकेंसी टेबल दिया गया है और ये इसके बारे में मैं आप लोगों की कम्प्लीट अलग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा मैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में आप लोग को कम्प्लीट एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद आप लोग का यह वैकेंसी टेबल होता है हर एक जोन वाइज जैसे अहमदाबाद जोन हो गया ये अहमदाबाद जोन के बाद से यहाँ पर अजमेर जोन हो गया ऐसे करके हर एक जोन का आप लोगों का डाटा दिया गया तो आप लोग ये पी फाइल खोल कर देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो में रिप्लाई दूंगा आप लोग को और इसका पी फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से पीडियर डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आप लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी दे कि आप लोग रेलवे में ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग नॉन लोगों बच्चे हैं ना आप लोग तो आप लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगती है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनती है ना मैं कंप्लीट वीडियो बना रखा हूं दो अपने चैनल पर तभी आई बटन पर आप लोग उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उस पर देख सकते हैं जाकर क्योंकि रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट आप लोग की स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होती है तो आप लोग जब भी बच्चे फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट से ही ऑनलाइन कीजिएगा ठीक है चलिए और उसका कैसे बनता है आप लोग क्या प्रोसेस रहता है मैं कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ दो अपने चैनल पे वीडियो अभी आई बटन पे भी आप लोग देख सकते हैं अभी वीडियो के एंड में भी देख सी देखने दि, को आप लोग को मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो